क्लास 10th एनसीईआरटी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आपकी वीडियो के जो टाइम है उसके बारे में जो है बात करना चाहता हूँ। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा कि जो 10th क्लास की वीडियो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को डलती है, लेकिन कुछ कारणवश जो वीडियो है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को डलेगी अब से, और टाइम वही रहेगा 12 बजे या फिर 6 बजे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बहुपद में शून्यक, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और द्विघात बहुपद हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण नंबर 4 जो कि आपसे कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः का मतलब क्रम में दिया है। पहले क्या दिया है? शून्यकों का योग क्या है? -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या है? 2। तो हमें पता है अगर जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक जो है वो क्या हो? अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास? -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? प्लस का 2। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि ए बी और सी निकाल सकते हैं। ठीक, ये हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बी अपॉन ए माइनस का इजिकल टू क्या? -3। अल्फा बीटा का मान होता है सी अपॉन ए, जिसको हम क्या ले सकते हैं? 2। यहाँ 1 लगा दें, यहाँ 1 लगा दें, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा? 3। ए का मान आ जाएगा 1, सी का मान आ जाएगा 2, ए का मान आ जाएगा 1। तो इससे हमें क्या मिल गया? ए बराबर कितना है? 1, बी बराबर कितना है? 3, और सी बराबर कितना है? 2। ठीक है, यह हमें पता चल गया मान। इसको हम हमारी जो व्यापक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर रख दें तो हमें हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा जिसका शून्यकों का योग कितना है? -3, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 2। रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम इसके आगे त्रिघात बहुपद देखते हैं। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसा होता है। ठीक, आपको पता होगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो इस प्रकार का होता है। क्या होता है? ए एक्स क्यूब, त्रिघात मतलब 3 घात वाला चर, चर क्या है? एक्स। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 कर देंगे तो त्रिघात समीकरण हो जाएगी। त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो 0 नहीं लगा रहे बराबर के आगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसमें हम शून्य कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमसे कह रहा है कि जैसे हमें शून्य पता है, क्या पता है? x बराबर 4 माइनस 2 और 1/2 है। ठीक है, और यहाँ हम ए बी सी डी का अगर मान रखें तो हमें समीकरण मिल जाएगी क्या? 2x² + px बराबर। ठीक है, ए बी सी डी का मान दिया, अगर हम उसे रख दें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाती है, त्रिघात समीकरण आ जाती है। ठीक है, यहाँ से हमने इसका शून्य निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसके शून्यकों का योग करें हम, शून्यकों का योग देखिए, या तो आप तीनों का योग करिए। ठीक, अगर हम शून्यकों का योग लिखते हैं, शून्यकों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 - -2 + 1/2। क्या जाएगा? एलसीएम ले लेंगे हम।
आठ माइनस चार प्लस एक कितना आ जाएगा? माइनस का, ठीक है, 5/2 माइनस का नहीं प्लस का आएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस का इंटू में माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस होता है, और ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए बी क्या है, -5, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते, माइनस का बी अपॉन, यही तो हम लोग का शून्य का योग होता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक है, आप लिख लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए। और शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 × -2 × 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा -4। अब -4 को हम लिख सकते हैं -8/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए -D अपॉन, इसको हम -D अपॉन लिख सकते हैं। तो शून्य का योग क्या हो गया, -B अपॉन है, और शून्य का गुणनफल क्या हो गया, -D अपॉन ए। ठीक, लेकिन इसके आगे भी हम एक और संबंध है जिसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए एक और संबंध, जैसे हमने इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, इन तीनों में गुणा कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर इसका इसमें, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा, गामा में ऐसे बनाते हैं, आर होता है इसे, इसको हम ऊंचा कर लें तो ये गामा हो जाता है। ठीक, अल्फा बीटा गामा मान लें इनको, तो अल्फा का बीटा में गुणा कर दें, बीटा का गामा में गुणा कर दें, और अल्फा का गामा में गुणा कर दें। ठीक है, तो ये भी एक संबंध होता है शून्यकों के बीच, जब वो जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद हो, मतलब उसके तीन मूल निकले, तीन शून्यक निकले, तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 4 × -2 में हम कर दें, और -2 × हम किस में कर दें, 1/2 में कर दें, और 1/2 का हम 4 में गुणा कर दें, ये देखिए 2 आ गया, ये -1 आ गया हमारे पास, और ये 8 आ गया माइनस के, -8 - 1, और यहाँ प्लस है, प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा -7, इसको हम लिख सकते हैं -14/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए, सी क्या है, -14, और ए क्या है, 2। ठीक है, पिछले वाले शून्यकों का गुणनफल जैसे हम लिख सकते थे -4/x³ का गुणांक, इसे हम लिख सकते हैं प्लस एक्स का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या संबंध आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यकों का योग, -B अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, सी नहीं -D अपॉन ए। और एक और आ गया संबंध हमारे पास शून्यकों के बीच त्रिघात बहुपद में, सी अपॉन ए। तो ये तीन संबंध हमारे पास आ गए। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो उदाहरण है आपका, बस ये आता नहीं है, ये आपका पेपर में आएगा नहीं, आपका परीक्षा में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके आपको कमी सवाल मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, आप उदाहरण नंबर 5 लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है कि शून्य को उसमें दिए हैं, ठीक, आपको क्या करना है, द्विघात में मैंने आपको बता दिया, तो आपको यहाँ पे BA ये सब रखना है शून्यकों की जगह पे, अल्फा बीटा गामा रख देना, फिर देखना है कि इस यहाँ दोनों तरफ के जो मान हैं वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इससे सत्यता की जांच हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज।